अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़रक वसीम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं खान फैंसी पोल्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ बहुत अरसे बाद आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस और बायो सिक्योरिटी के हवाले से आपके जो पोल्ट्री के मुतालिक होते हैं। ये मेरे पास ये केजेस हैं, मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर हम जो है वो केजेस की सफाई, इनकी डिसइंफेक्शन और इसके अलावा बायो सिक्योरिटी पर बात करेंगे। तो आप जो है वो मेरे साथ रहिएगा। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ इक्विपमेंट है जिसके अंदर चावल का छिलका, ब्रश, बेलचा, इसके अलावा झाड़ू और हमारे पास कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट है, उसमें मास्क, ग्लव्स और एक जोड़ा चप्पल होंगे जो सिर्फ केजेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी उनकी बायो सिक्योरिटी का ख्याल करना पड़ता है। केजेस में जाने से पहले हम जो है सेफ्टी इक्विपमेंट पहनेंगे जिसमें हमारे पास ग्लव्स और मास्क शामिल हैं। ले जी, मैं तैयार हो गया हूँ और मैं अभी केज में जाने के लिए रेडी हूँ। ये आपके सामने जो टब है इसके अंदर चावल का छिलका है। कोई भी क्रॉलिंग इंसेक्ट पाउडर हो, किसी भी कंपनी का हो, वो आप डाल सकते हैं और उसको इवनली मिक्स करें हाथों से। और फिर जो आपने केजेस साफ किए होंगे तो उसके अंदर आपने बराबर डाल देना चावल। आपके सामने है, ये हमने केज बिल्कुल रेडी कर लिया है, साफ भी हो गया है और नई बेडिंग भी हमने डाल दी है। इसी तरह ही बैकग्राउंड में भी मेरे आपको केजेस नज़र आ रहे होंगे और ये साथ भी केज है। तो हम इसी तरतीब से हम सफाई करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे हम और आपको फिर तफसील बताएंगे। I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first. जी, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में हमने केजेस साफ किए हैं, उनको डिसइंफेक्ट किया है, उसके अंदर नई बेडिंग डाली है। बर्ड्स को निकाल के आराम से अपना टाइम लगाकर, तो इसका मकसद ये है कि तकरीबन हर महीने आप लोग जो है वो केजेस साफ़ किया करें, उनको डिसइंफेक्ट किया करें ताकि कम से कम बीमारियां आपके फ्लॉक में जो है वो आएं। और उनके उनसे बचाव के लिए साफ़ पानी और साथ साथ जो है वो इस तरह की जो है इकदाम करें ताकि
आपको बड़े मसले मसाइल पेश ना आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त अहबाब में, ताकि मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह हर हफ्ते आपके सामने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।